बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको आलू की तिहारी बनाने की रेसिपी बताएंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए, 3 मीडियम साइज़ टमाटर, आलू 6 से 7 अदद और 2 गिलास चावल। और यहाँ पर तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम प्याज को शामिल कर देंगे और लाइट ब्राउन करना है। अच्छा, पंजाब में इसको आलू वाला चावल भी कहा जाता है और आलू की तिहारी भी कहा जाता है। आप भी बताइएगा आपके यहाँ इनको क्या कहा जाता है। ये हमारे पास मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, 2 इलायची, 2 लौंग और काली मिर्च पिसी हुई। अब यहाँ पर हम लोगों के प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हमने हल्का सा पानी शामिल कर दिया ताकि ये अपना रंग ले आए। इसको ढककर रखते हैं आप। अब ढक्कन हटाएंगे हम और तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया और जो कलर हम चाहते थे वो कलर भी हमारे पास आ गया। अब इस पोजीशन पर आकर हमने वो सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको फिर से एक दफ़ा भून लेंगे। अब इसके अंदर हमने अपने टमाटर शामिल कर दिए। याद रखिए टमाटर का छिलका आप हमेशा उतार के टमाटर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम इसके अंदर अपने आलू शामिल कर देंगे। जो टमाटर का छिलका है वो गुर्दे वालों के लिए सख्त नज़र है और आप रूटीन में भी कोशिश करें कि टमाटर का बीज और इसका छिलका उतार कर आप इसको शामिल करें ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे। अच्छा, यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे पानी। 2 गिलास हम लोगों के चावल थे उसके हिसाब से हमने 4 गिलास पानी शामिल करके इसमें तेज़पत्ता डाल के इसको ढककर रख दिया। यहाँ पर 3 हरी मिर्चें और हम लोगों के पास कड़ी पत्ता है। वो जब उबाल आ जाएगा तो आपने दोनों चीज़ें शामिल कर दिए, चावल शामिल कर देने हैं साथ ही इसमें। और चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं, बस यहाँ पर आप नमक को भी चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। इस पर अब हमने हल्का सा ज़ीरा ऊपर से डाल दिया और इसको हम दम लगा देंगे मीडियम। आलू की तिहारी तैयार है, इसको रायते के साथ इंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर्स ऑफ यूनिक लाइफ।